रावर का स्टैचू, जिस जनरल ने पैदल जाकर 5,000 डोगरों के साथ यहाँ से पैदल जाकर कहाँ रशिया, अफगानिस्तान और चाइना तक इस रियासत की, इस देश की सरहदें बढ़ाई। बाद में जो भारत माता के साथ हमारा मर्जर हुआ, लेकिन इस रियासत की सरहदें बढ़ाई उन्होंने, किस तरीके से वहाँ पर पहुँचे वो, कितने लोग वहाँ कुर्बान हुए, और उनका याद, इतिहास याद रहने के लिए गांधीनगर में बाहू प्लाजा के पास स्टैचू लगा था। वहाँ की उनकी तलवार टूट गई और ये भी बेहुरमती हुई स्टैचू की, कई दिन रही, किसी पॉलिटिशियन ने, किसी यहाँ के वो जो बड़े जम्मू की बात करते हैं लोग, उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई। हम वहाँ चिल्लाते रहे और उसके बाद जाकर वो रेस्टोर हुई। आज अभी उनका बलिदान दिवस था 12 को, हम वहाँ पर गए थे और वहाँ पर आज भी उस चौक का जिस तरीके से नाम लिया जाता है उसकी चर्चा हुई। वहाँ हमारे जम्मू के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर साहब भी थे, बाकी भी पॉलिटिशियन थे, वहाँ चर्चा हुई कि भाई उस चौक का नाम क्या है। जोरावर चौक के बजाय आपको पता होगा कि बसों पर जब सफ़र करते हैं तो उसको घोड़ा चौक नाम दिया हुआ है, ये आम लोग कहते हैं। उसके लिए कोई ऐसा, जिस तरीके से कोई उस मेमोरियल का नाम वो उभर के सामने आए, ऐसा इंतज़ाम आज तक नहीं किया है। तो हम ये आज मांग कर रहे हैं, एक तो इस जांबुलोचन के स्टैचू से जो बकरी का स्टैचू गायब हुआ है उसकी इंक्वायरी करें, पता करें कहाँ है, और लोगों को बताएं कि कब ये इंस्टॉल हो रहा है। और दूसरा, ये जो जनरल जोरावर का चौक है उसका प्रॉपर नाम भी रखें और वहाँ पर उसको ऐसा इंतज़ाम भी करें कि लोगों को वो दिखे। और तीसरा है, दुख भरे दिल से आपके साथ रूबरू हो रहा हूँ, उसका कारण ये है कि जम्मू शहर, जिसकी कहानी, जिसकी गाथा आप सब जानते हैं, किन कदरों पर बना है। और जम्मू सूबे का भाईचारा, वैसे तो जम्मू कश्मीर का भाईचारा, ये देखकर तो गांधी जी ने कहा था कि यहाँ से रोशनी की किरण नजर आई है। ऐसी रियासत के अंदर उसका इतिहास और उसकी वो कहानियाँ गायब हो जानी, उसकी शनाख्त गायब हो जानी, ये सिर्फ रियासत के लोगों के लिए नहीं, पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। आज जो दुख भरी बात मैं आपसे सामने रख रहा हूँ वो है कि जम्मू किन कदरों पर बना था, और यहाँ जांबुलोचन जब शिकार खेलने के लिए आए तो उन्होंने क्या देखा, शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पी रहे हैं। और 1985 से लेकर 90 के दशक तक, जब पंजाब में उथल पुथल शुरू हुआ, कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी खूब जोरों पर थी और उस आग की चिंगारियां यहाँ भी पड़ रही थी, उसको देखकर हमने उसी कहानी को याद कराने के लिए, एक तो यहाँ के लोग भी उसको समझने की कोशिश करें और इस इतिहास को जो करोड़ यात्रु यहाँ आ रहा है वो भी पढ़े सुने। तो ये जांबुलोचन और शेर बकरी का यहाँ पर एक मुजस्मा लगाया था रणबीरेश्वर मंदिर के सामने। लेकिन आपको भी शायद पता नहीं होगा कि कई दिनों से वहाँ बकरी जो एक छोटे या एक ऐसे समाज की वो वहाँ पर एक दर्शाया जाता था उसके ज़रिए, जिनको छोटा कुचला हुआ समझा जाता था, छोटे समझा जाता था, और शेर जो है बकरी को देखते ही खा जाता था, इस किस्म का उनकी कहानी है। लेकिन यहाँ एक ही घाट पर दोनों इकट्ठे पानी पीते देखा था, तो जांबुलोचन ने कहा था यहाँ शहर बसाया जाए। आज वो कई दिनों से बुत गायब है, वहाँ पर नहीं है। जांबुलोचन का जो मेमोरियल यहाँ बनाया है वहाँ से बकरी का स्टैचू गायब होना मतलब कि वो कहानी, या तो वो हिस्ट्री पूरी डिस्टार्ट हो जाएगी और या उस कहानी का कोई मतलब नहीं रहेगा। और उसको देखकर यहाँ पर मुझे दुख है, यहाँ के सियासतदान, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, किसी ने वो देखा कि एक बेहुरमती हुई है ऐसे मेमोरियल की, जो जिन कदरों पर शहर बसा है उसकी कहानी जो बताता है, वो भी एक महात्मा गांधी ने किस तरीके का यहाँ संघर्ष किया, दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती।
और उनकी याद में ये गांधी भवन बनाया था, वहाँ ही खादी का इंतज़ाम, वहाँ ही सब चीज़ों का इंतज़ाम किया गया। उनकी कहानी, उस संघर्ष की कहानी का किस तरीके से वर्णन हो उसका इंतज़ाम किया गया था। आज वहाँ पर आइडल पार्किंग बनाई है, आज सेक्रेटेड की तरफ से वहाँ पर जो कूड़ा करकट है वहाँ पर फेंका हुआ है और रिस्ट्रिक्शन हैं, वहाँ कोई नहीं जा सकता। इसलिए आज हम आपके माध्यम से मांग करते हैं, एक तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जाइए इन तीनों जगहों पर आज विज़िट करिए और देखिए वहाँ क्या हाल है और लाइए लोगों के सामने। और आपके माध्यम से मैं एडमिनिस्ट्रेशन से मांग करता हूँ कि फौरन इन तीनों मेमोरियल्स को, तीनों जगहों को, ये जो ऐतिहासिक जगह हैं, हमारे बड़े पवित्र भवन और मेमोरियल हैं, इनको, इनका प्रॉपर इंतज़ाम करिए, लोगों के लिए खोलें, लोग जाएं। यहाँ जो करोड़ों यात्रु माता के और अमरनाथ के आ रहा है, वो यात्रु अब आने वाले हैं, वो यात्रु वहाँ देख सकें, इसकी कहानी जान सकें। और मैं